क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहूर, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कैन का यूज। देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट पड़े हैं कि यार मैम कैन का आप अलग से यूज बता दीजिए, हमारे माइंड में सही से नहीं जा पा रहा है। तो फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ, जल्दी से बच्चा पार्टी आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें बिल्कुल नहीं जाना है, लाइक तो करना ही करना है, आपसे वो लाइक करना है। देखिए कैन का इस्तेमाल सत्ता के सेंस में होता है, जैसे मैंने बोला मैं जा सकती हूँ आई कैन गो, मैं आ सकती हूँ आई कैन का। जब हम सकता बोलते हैं या फिर हम अपना सकना बोलते हैं फेवरेट, तब और सकना सकता हम निजी जिंदगी में बात करूं या ऐसे भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भैया ये समझ लो ये कैन अपने घर की फैमिली है। कैसे अपने घर की फैमिली, मतलब ये इनफॉर्मल है। कैसे अपने घर की फैमिली है, ऐसे अपने घर की फैमिली है कि इसका क्या होता है, जहां आप इनफॉर्मल हैं, जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ आप अपने, मतलब ये समझ लीजिए इसको आप छोटों के लिए इस्तेमाल करिए और हम उम्र के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन आपसे बड़े के लिए कुछ और आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको समझेंगे। तो कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल वे में होता है, जब आप बोल रहे होते हैं सकता सकना, बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये कहाँ लगता है। देखिए जरा, मैंने बोला यहाँ पर आप बोलेंगे सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, और ये इतना अच्छा इंसान है, भला ही मानस है, ये इतना भला मानस है कि ये सभी के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ कहना चाहता है, ही शी इट नेम आई वी यू दे, सभी के साथ आता है, कितना अच्छा इंसान है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप इसमें इस्तेमाल करिए किसका, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। भैया एक बात राज की आपको भी बता देती हूँ, जो जो कैसा मैंने बोला, जो जो मॉडल वर्ब होती है ना भैया, बहुत आसान होती है क्योंकि ये सभी के साथ आती है। सेकेंड थिंग की मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ आती है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो लिया और कर दिया काम, ठीक है। आप फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल आ रहा है तो कर लीजिए। एग्जाम्पल ले, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये क्लियर हुआ बच्चा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाकर लगा दो, इसे मार दो सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद कैन लगा दो, फिर इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो भैया, फिर एंड देन ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है आप लगा दीजिए। और भाई इम्फॉर्मल है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सकता सकता के लिए कैन या कुछ और भी। मैम देखिए, जब आप किसी की क्षमता बता रहे हो, मैं इस बोर्ड को एक उंगली पर उठा सकती हूँ, लग रहा होगा ना फेंक दिया मैम ने, कोई बात नहीं मैं उठा सकती हूँ, आपको पता नहीं है, मैं इसको उंगली पर उठा सकती हूँ, दैट मीन्स मैं ये क्षमता बता रही हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब आप अपने अंदर की क्षमता बताए ना, जब आप अपने अंदर की क्षमता बताए ना, तो कैन का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे करके फेंक के करो, बढ़िया आराम से करो, बहुत आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आप इनफॉर्मल हो, जहां पर आप इनफॉर्मल हो तब यहाँ पर इस्तेमाल करिए। कम संभावना के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसका यूज इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे जो हो चुके हैं कंफ्यूज मॉडल वर्ब से, कैन कुड मे माइट वो जो, अरे भैया कहाँ क्या लगाए, कोई बात नहीं अकेले अकेले पढ़ो, सिंगल सिंगल पढ़ो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं घर जा सकती हूँ। देखो इनफॉर्मल से ही समझ जाना कि जहां आपके हम उम्र हैं और आप जिनसे बिल्कुल इनफॉर्मल हो समझ लो, तो उनके लिए बढ़िया इस्तेमाल करो कैन का। मैंने बोला मैं घर जा सकती हूँ, आई कैन गो टू होम। आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चे से बोल रहे हो कि क्या ये पेन आप मुझे दे सकते हैं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, आप बच्चों से बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन बच्चों से भी तो तमीज से ही बोलेंगे ना भैया, क्या आप मुझे मुझे ये पेन दे सकते हो। तो हम यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होता है, जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो इसको क्या आगे ले जाते हो, ये दोनों अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोलिए जरा कि कैन, दिख रहा है ना, कैन यू, आप या तुम, बात यू, कैन यू गिव मी दिस पेन, ठीक है भैया
है ये बोलना है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बड़े आराम से बोलिए कि क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोलिए कैन यू गिव मी दिस पेन। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इस मोबाइल को उठा सकती हूँ, मैं इस मोबाइल को उठा सकती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई कैन लिफ्ट। ठीक है, बहुत आसानी से आराम से बोलिए, आई कैन लिफ्ट दिस मोबाइल। ठीक है, मैं इस पेन को उठा सकती हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस पेन। ठीक है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ, कैन आई गो टू देयर। यहाँ पर आप किसी ऐसे से पूछ रहे हो जो आपके फ्रेंड्स में है। ठीक है, इनफॉर्मल, याद रखना इनफॉर्मल। ठीक है, आप बोल रहे हो कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, कैन आई बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या आएगा, कैन आई ईट दिस फूड। बहुत आसान था, आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और कैन के दो तीन सेंटेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे जब तक हमारी वीडियोस मिलेंगी कैसे। अब आप बोलेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर भी हमें वीडियो नहीं मिल पाती है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते ना, घंटी का निशान देख रहे हो, ये जो घंटी दिखती है ना आपको, वो घंटी काम की होती है, उस पर जरा टिक करो, ऑल पर क्लियर कर दो और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल जाएगी, है ना कमाल की चीज। तो जल्दी से कर लो और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, हम भी तो जाने आपके कितने फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सो मच।